बिग बॉस, लेकिन जिस दिन देखूंगी उस दिन डेफिनेटली मैं मीडिया के सामने जरूर बात करूंगी. फिलहाल देखने का मौका नहीं मिला है. बिग बॉस सबका फेवरेट गेम है, मेरी ऐसी की तैसी करी है, बहुतों की और करेगा. लेकिन फिर भी सबको बहुत मजा आता है बिग बॉस देखने में, कंट्रोवर्शियल है, एंड लेट्स ऑल एंजॉय. करवा चौथ का मौका है, ऐसे में कोई नया गाना रिलीज ना हो भला ऐसा कैसे हो सकता है. तभी तो अभी हाल ही में मशहूर यूट्यूबर और एक्ट्रेस संभावना सेठ का करवा चौथ सॉन्ग चांद रिलीज हुआ, जिसमें उनके साथ उनके पति एक्टर अविनाश द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस गाने को बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर वरदान सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. वही म्यूजिक वीडियो चांद का निर्देशन अमित के शिवा ने किया है, जबकि सॉन्ग के प्रोजेक्ट हेड राजीव जॉन सोसन है. वहीं फोटोफिट म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया ये सॉन्ग प्रोड्यूसर सुरेश भानुशाली ने प्रोड्यूस किया है. आपको बता दें सिंगर वरदान सिंह की आवाज को लोग बेहद पसंद करते हैं. आपको बता दें अमिताभ बच्चन की फिल्म रन में गा चुके सिंगर वरदान सिंह ने ना सिर्फ सॉन्ग चांद को गाया है बल्कि उन्होंने इस सॉन्ग का म्यूजिक भी दिया है. आपको बता दें ये गाना अविनाश द्विवेदी और संभावना सेठ का पहला गाना है जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं. क्या करना है तुम बस करो. और मैं आपको बता रही हूँ वो शॉट्स जितने भी हैं वो सबसे बेस्ट आए हैं, क्योंकि आई थिंक हमारी जो रियल केमिस्ट्री है वो बाहर आई उस शॉट के दौरान. तो वो मेरे को बहुत वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स है. जब आप देखेंगे जितने भी लोग वो वाइट वाला जिसमें मैंने सलवार कमीज पहन रखा है वो वाला शॉट देखोगे तो वो बड़े रियल शॉट्स है. तो उसको हमने बहुत इंजॉय किया. संभावना जी, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला अविनाश सर के साथ आपको सॉन्ग करना है, तो कैसे रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो तब होगा ना जब मुझे पता नहीं होगा, सडनली पता लग गया हम दोनों इनसे मीटिंग करने आए थे. तो कोई हमें कोई शॉक रिएक्शन था, ओह माय गॉड हम दोनों को साथ में लिया है, नहीं 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 वेल प्लान्ड. ये तो प्लान था. और हाँ ये जरूर था, जब हमें ये पता लगा था कि हम दोनों को ये चीज साथ में ऑफर हो रही है तो हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग बहुत सालों से करना चाहते थे. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सुरेश जी की. मेरा नहीं, आप लोगों ने हाँ बोला, हमारे यही बहुत है. आपने मतलब एटलीस्ट किसी ने सोचा होगा ना क्या होता है हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. द मोमेंट आप किसी को एक एक्स रूप में देख लेते हो तो आप उसको टाइपकास्ट कर देते हो कि अच्छा ये मतलब नेगेटिव, मतलब संभावना ने बिग बॉस किया मतलब संभावना नेगेटिव ही होगी, अब तो इसको नेगेटिव ही रोल देते रहो. या डांसिंग करती है तो डांसिंग ही देते रहो. कोई और अलग क्यों नहीं सोचता? जैसे सुरेश जी ने कुछ अलग सोचा, अमित ने कुछ और अलग सोचा हमारे लिए, वैसे बाकी लोग भी तो सोच सकते हैं. मैं यही सोचती थी कि डू आई लुक ओनली नेगेटिव, या लोगों को लगता है कि मैं डांस के अलावा कोई और कुछ और कर ही नहीं सकती हूँ. बट ऐसा जब आपको चांस मिलता है, जब आपका कॉन्फिडेंस अपने आपसे उतरने लगता है और ऐसे ही सडनली कोई चांस देता है तो उसकी आप मतलब हमेशा के लिए यू नो यू शुड बी ग्रेटफुल. और मैं इनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमें ऐसा कुछ करने का अलग कुछ करने का मौका दिया. राजीव जी, क्योंकि मैडम का ये गाना था हिट हो चुका, मैंने ऐसा माना है कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट आप मैडम सर के साथ चांद 2 3 सॉल्यूशन देखेंगे? Of course देखेंगे, but not only चांद 1 चांद 2 चांद 3. We have सूरज भी देख सकते हैं, दिन में तारे भी देख सकते हैं. Of course है हमारे कुछ प्लानिंग है विच आप लोग ग्रेजुअली आप लोगों को चैनल में देखने को मिलेगा. सुरेश जी, आप बताइए कि जैसे फोटो की जो म्यूजिक कंपनी है काफी नए लोगों को भी मौका दे रही है, मैंने देखा है कई सारे सेलिब्रिटी के साथ आपका काम है, ये जो इनिशिएटिव प्रचार के इसके बारे में थोड़ा बताइए. बेसिकली हमारा जो काम है सॉफ्टवेयर कंपनी है मेरी, और थोड़ा सा ब्रीफ 2 मिनट का बता दूंगा समझ में आ जाएगा. फोटो फिट किया तो लास्ट लॉकडाउन से 1 महीना पहले मतलब फरवरी 2020 में एक बार अमित भाई ने बोला कि सर हम लोग एक कुछ काम करते हैं, एक गाना बनाते हैं. तब कंपनी का उतना थॉट्स अपने दिमाग में था नहीं कि इतना लंबा चौड़ा काम करना है. कच्छ का रेगिस्तान बहुत जो सफ़ेद रण है बहुत अच्छा खिला हुआ इस बार, तो ठंडी की मौसम थी, ठंड का महीना था, तो हमने एक बढ़िया सा मीरा बाई का एक भजन था पद था उसको गाने में कन्वर्ट किया और हमने एक गाना बनाया. तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, आज हम अंधेरी में हमारा 4500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, हमने 8000 स्क्वायर फीट का एक VFX स्टूडियो लिया हुआ है जो कि वहाँ हर बंदे की नीड खत्म हो जाएगी. आप छोटे अपनी एडवर्टाइज से लेके बड़ी मूवीज तक आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो. तो हम खुद अपनी एक बहुत अच्छी लाजवाब मूवी भी ला रहे हैं जो जस्ट लाइक आपको डिजनी फील कराएगी, और बहुत कुछ आगे प्लानिंग है. और
बेसिकली फोटो फिट का मतलब ऐसा है कि एक ऐसी फ्रेम है कि जिसके अंदर आप कैसे हो, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, कोई मैटर नहीं करती, आप में टैलेंट क्या है, आप टैलेंट अपना दिखाओ, फ्रेम में आप फिट हो, वही फोटो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे तो इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, मतलब आपको नहीं लगा रिक से कुछ जाने, कुछ जानकारी नहीं इंडस्ट्री के बारे में? नहीं, जानकारी तो बहुत रखी है मैंने, जानकारी है नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, मेरे जो ग्रुप है, मैं ना तो मेरे दादा परदादा, मेरी पुस्तानिया भी कोई इसको देखते हैं, हम लोग टीवी में जब पहली बार रामायण देखी थी तब पता चलता टीवी इसको ही बोलते हैं, तब से लेके अभी तक हमारे घर में कोई नहीं है, खानदान में कोई नहीं है कि जिन्होंने काम किया उसमें, बट एक लगन दी कि कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ जो लोग आज मार्केट में अपना टैलेंट लेके बैठे हुए हिडन है, वो बाहर नहीं आ पा रहे, उस सोच में मैंने ये एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई है। मेरी इस कंपनी की 9 अलग अलग पेरेंट कंपनियां हैं, आपको आगे आगे फोटोफिट ग्रुप के बारे में पता चलता जाएगा कि ग्रुप काम क्या करता है। हम चैरिटी भी करेंगे, हमारा फाउंडेशन है फोटोफिट फाउंडेशन के नाम से, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज कर रहे हैं हम लोग, जो सोसाइटी में जिनको हेल्प नहीं मिल रही है, जो सोसाइटी में कमजोर लोग हैं, हम उनको भी हेल्प करेंगे। आप अपने घर बैठे कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप घर बैठे कैसे काम कर सकते हो। फोटोफिट का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, फोटोफिट का मकसद है एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को हर तरह से उसका विकास होना चाहिए, हर तरह का उसको डेवलपमेंट मिले, और हर तरह की उनके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो भी कसब बोलता है टैलेंट ना, आपके पास चाहे आप फिल्म लाइन में हो, चाहे आपको कोई भी कोई चीज की आपके पास कलागिरी है, कलाकारी है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको हम अपनी फ्रेम में लाएंगे। थैंक यू। संभावना जी, जैसे कि करवा चौथ आ रहा है, तो आपका क्या प्लान है करवा चौथ पे, क्योंकि आपका सॉन्ग भी आया है, क्या स्पेशल करने वाले हैं आप इस बार करवा चौथ पे? करवा चौथ का व्रत तो रखना ही है, उसके अलावा इस गाने पे रील्स बहुत बनाऊंगी मैं, परेशान कर दूंगी लोगों को रील्स बना बना के, क्योंकि तैयार होने का वही एक मौका मिलता है। देखो फिल्मों में और गानों में हम लोग इतना ज्यादा तैयार होते हैं कि रियल लाइफ में, एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे ना, तो आप जब मुझे ब्लॉग्स में भी देखोगे तो मुझे बिल्कुल नो मेकअप लुक में देखोगे आप, बिल्कुल मैं मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, तैयार होना तो बिल्कुल ही, मैं अपने नाइट सूट में ही आपको नजर आती रहूंगी। लेकिन यही एक महिलाओं के लिए स्पेशली ये त्योहार ऐसा है जहाँ पे आपको सजने का मौका मिलता है, एंड उस दिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तैयार होना अविनाश के लिए, अविनाश के लिए मैं व्रत रखती हूँ, तो ऑब्वियसली तैयार होना मतलब पूरा अच्छी तरह से साड़ी वाड़ी पहन के मैं तैयार होंगी, और इस करवा चौथ खास ये होगा कि व्रत के अलावा इस सॉन्ग पे रील्स बनेंगी। वही होगा कि कुछ नहीं है। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं, और मैंने अभी देखा जैसे सॉन्ग लॉन्च हुआ है, अभी जैसे ही सॉन्ग रिलीज हुआ है तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सारे ऑडियंस का और बाकी उनके फैन का। सो बस आगे यही है कि आगे और प्यार मिले ऐसे, हम और भी आगे प्रोजेक्ट करें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करें, लाइनअप है काफ़ी पाइपलाइन में अविनाश के साथ सारी चीज़ें, तो करेंगे रिवील लोगों का, तो आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा। और चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का खत्म हो चुका है अब, तो मैं जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, कुछ लोग नए हैं, हाँ अभी मैं मिली भी हूँ, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी इस गाने पे रील्स बनाइए। सुनो, अगर नहीं बनाई तो छोड़ूंगी नहीं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, अगर मुझे टैग नहीं किया, अविनाश को टैग नहीं किया ना, तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं फिर वही हूँ बिग बॉस वाली। रील्स बनाओ, और कितनी सारी लड़कियां यहाँ पर रील्स बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे हो? जो नहीं बनाते, आई सी यू इन कोर्ट। आप तो जी एक एक्स्ट्रा लेके ही मानो।